हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है जलप्रपात। एक्चुअली में यह है छत्तीसगढ़ के जलप्रपात, क्योंकि हमने अभी छत्तीसगढ़ स्टार्ट किया है तो ये छत्तीसगढ़ के जलप्रपात है। छत्तीसगढ़ के जलप्रपात पढ़ने से पहले फिर से मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे ऐसा लाल कलर का बटन होता है, वो दबाकर आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके सामने एक बेल का आइकन होगा, इसे भी दबा लीजिएगा। ये करना फ्री होता है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत पहुँच जाएगा। और जैसा कि हम अभी छत्तीसगढ़ पढ़ना स्टार्ट किए हैं, ये आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये सब वीडियो कुछ नहीं करना है, सिर्फ दिन में 2 बार देखना है, जिससे ये जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारा आपका कवर हो जाए और आपके एग्ज़ाम में आपकी मदद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के जलप्रपात। तो छत्तीसगढ़ के जलप्रपात छत्तीसगढ़ में उत्तरी तथा दक्षिणी में पर्वत पठार उपस्थिति के कारण जलप्रपात का निर्माण होता है। छत्तीसगढ़ में उत्तरी तथा दक्षिणी में पर्वत पठार उपस्थिति के कारण जलप्रपात का निर्माण होता है, ठीक है। तो जितने भी जलप्रपात हैं वो सारे हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहला देखिए बलरामपुर कोटली जलप्रपात। पहला जो है बलरामपुर में कोटली जल प्रपात, ये है कन्हार नदी पर, ठीक है। दूसरा है इसी में बलरामपुर में पवई जल प्रपात, ये है चिनार नदी, जिसे चानन नदी भी कहते हैं, ठीक है। ये कन्हार की सहायक नदी है। तो बलरामपुर में 2 जल प्रपात हैं, कोटली जल प्रपात जो कन्हार नदी पर है और पवई जल प्रपात जो चिनार नदी पर है। दूसरा सरगुजा रक्सगंडा जल प्रपात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है। रक्सगंडा जलप्रपात, तो ये कहाँ है, रेड नदी पर सरगुजा। सर भंजा जलप्रपात मांड नदी पर मेनपाट क्षेत्र, ठीक है। तो ये कहाँ है ये दोनों जलप्रपात, सरगुजा में। आगे देखते हैं कोरिया में है अमृत धारा जलप्रपात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये व्यापम में कई बार इसे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अमृत जलप्रपात हसदेव नदी कोरिया। अकुरीनाला जलप्रपात, इसे कोरिया का एयर कंडीशनर भी कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, IMP, ठीक है। आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए और ये सब नोट कर लीजिए, ठीक है, IMP है। गावरघाट जलप्रपात हसदेव नदी पर, ठीक है। तो कोरिया में ये 3 जलप्रपात हैं। कोरबा केंदई जलप्रपात केंदई नदी पर, तो आप अच्छे से देखिए, एक दो बार देखिए, सारा कुछ याद हो जाएगा। पांचवा जसपुर रानीदाह जलप्रपात, रानीदाह जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में जसपुर जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जलप्रपात के समीप प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर और ऐतिहासिक स्थल पंचमया होने के कारण इसका धार्मिक महत्व भी है। रानीदाह जलप्रपात जून से फरवरी तक चालू रहता है। इसके बाद जसपुर में राजपुरी जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, ठीक है। यह जसपुर जिले के बगीचा विकासखंड मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जलप्रपात वर्ष के 12 महीने प्रवाहित होने वाला प्रपात है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में भी इसकी सुंदरता बरकरार रहती है, परंतु वर्षा के दौरान इसका प्राकृतिक सौंदर्य और भी अधिक निखर जाता है। तो ये जसपुर में रानीदाह और राजपुरी जलप्रपात। उसके बाद देखते हैं जसपुर में ही दमेरा जलप्रपात। देखिए दमेरा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में जसपुर जिले से 8 किलोमीटर की दूरी पर श्री नाला पर स्थित है। नैसर्गिक खूबसूरती वाले इस जलप्रपात को निहारने का सबसे अच्छा समय जुलाई से दिसंबर तक है, ठीक है। छठवा महासमुंद में सात देव धरा, ये है बलमदेही नदी पर, ठीक है। इसके बाद है गरियाबंद गोदना जलप्रपात उद्यंती नदी के तट पर। इसके बाद कांकेर मलाज कुंडम जलप्रपात, ये दूध नदी पर। बस्तर का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले कांकेर जिला में स्थित है मलाज कुंड जलप्रपात, ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बाद नारायणपुर चर्रे मर्रे जलप्रपात, एग्ज़ाम में पूछा गया है व्यापम के एग्ज़ाम में। जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में नारायणपुर के अंतागढ़ आमाबेड़ा वन मार्ग पर
पिंजारिन घाटी में स्थित है चर्रे मर्रे जलप्रपात नारायणपुर। उत्तर पश्चिम दिशा में इस जलप्रपात का गिरता हुआ जल अलग अलग कुंडों के रूप में एकत्रित होकर दक्षिण दिशा में लंबी दूरी तक तय कर कोटरी नदी में मिलता है। ठीक है, तो नारायणपुर में चर्रे मर्रे जलप्रपात। इसके बाद दसवां है बस्तर चित्रकूट जलप्रपात, बहुत ही मोस्ट आईएमपी जलप्रपात, एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चित्रकूट अथवा चित्रकोट जलप्रपात सभी मौसम में छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात है। हालांकि छत्तीसगढ़ राज्य में और भी बहुत से जलप्रपात हैं किंतु चित्रकूट जलप्रपात सभी से बड़ा है। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात सभी से बड़ा है। यहाँ यह जलप्रपात 5 किलोमीटर चौड़ा और 90 फीट ऊंचा है। इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? भारत का नियाग्रा। चित्रकूट जलप्रपात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बस्तर जिला में ये स्थित है। ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात ये भी कहाँ है? बस्तर में। तीरथगढ़ के झरने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कांगेर घाटी पर स्थित कई झरने हैं। तीरथगढ़ झरने जगदलपुर की दक्षिण पश्चिम दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तीरथगढ़ झरने भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। तीरथगढ़ झरनों की ऊंचाई लगभग 300 फीट है। तीरथगढ़ झरनों पर पिकनिक का आनंद उठाया जा सकता है। तीरथगढ़ झरनों को घूमने के लिए अक्टूबर और फरवरी का समय सबसे बेहतर है। तो तीरथगढ़ जलप्रपात, तो बस्तर में चित्रकूट और तीरथगढ़ जलप्रपात। इसके बाद कांगेर धारा जलप्रपात, कांगेर धारा जलप्रपात बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 20 फुट है। कांगेर घाटी से होकर गुजरने वाली कांगेर नदी पर इस जलप्रपात का पानी स्वच्छ रहता है। कांगेर नदी के भैंसा दराह नामक स्थान पर मगरमच्छ प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? मगरमच्छ प्राकृतिक रूप से, भैंसा दराह नामक जगह, ठीक है, कांगेर जलप्रपात के पास। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यह जलप्रपात कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो कांगेर धारा जलप्रपात, ठीक है। इसके बाद दंतेवाड़ा, तो दंतेवाड़ा में सूरतगढ़ जलप्रपात, ये डंकनी नदी पर स्थित है। मेदनी घूमर प्रपात, इसे हाथी दराह प्रपात भी कहा जाता है। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सुकमा गुप्तेश्वर जलप्रपात सबरी नदी पर निर्मित है। बीजापुर सात धारा इंद्रावती नदी पर स्थित है। सात धारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में दंतेवाड़ा जिला के बारसूर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सात धारा, ठीक है, वह स्थान जहां इंद्रावती नदी सात भागों में विभाजित होती है। एक छोटा सा जलप्रपात सात धारा के रूप में निर्मित होता है। यह एक शांत पिकनिक स्थल है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी खूबसूरत है। सात धारा को भेड़ाघाट से भी सुंदर माना जाता है। भेड़ाघाट आपने सुना होगा, जलपुर वाला। इसके सात धारा क्रमशः शिव धारा, शिव चित्र धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, बोध धारा तथा कपिल धारा प्रमुख है। ठीक है, तो ये बीजापुर में है। तो ये जितने भी जलप्रपात हैं ये सारे इम्पॉर्टेंट जलप्रपात हैं। इनको आप एक से दो बार वीडियो को सिर्फ बैठे बैठे घर में सुन लें, सुनने से ये जलप्रपात आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, या तो इसके नोट्स बना ले जिससे ये आपको अच्छे से याद हो जाए। छत्तीसगढ़ के जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें एक या दो नंबर के ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइबर का बटन है, उसे दबा लें। मैं इसी तरह की छत्तीसगढ़ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूँगा। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।